सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र के NH 77 स्थित शाहदरा मील के पास चेक पोस्ट पर रात्रि ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान समेत 4 लोगों को अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने रौंद दिया है। हादसे में सोनवर्षा थाना क्षेत्र के जमुआहा निवासी होमगार्ड जवान जीतू साह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं मौके से चालक फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष और सचिव ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मुआवजे के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना क्या हुआ है? हैदरा मिल उत्पाद विभाग के द्वारा वहाँ पर लोग ड्यूटी लगाया जाता है, वहाँ पर हमारे सिपाही लोग 8 को हैं। ड्यूटी के दौरान तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी सोनवर्षा साइड से और उसको कुचल दिया गया है। उसमें 4 आदमी ड्यूटी में थे, वहाँ पर एक स्कॉर्पियो आया और अपना डैबली खो गया था। सोनवर्षा रूट से सीतामढ़ी आ रहे थे और वो गिरक से सब ड्यूटी में था। 3 को भागने में सफल रहा, लेको को मतलब कि चापा पड़ गया, जिसको क्या कहता है उस रूम है एक छोटा झोपड़ी, वो झोपड़ी में घुस गया और उसमें जा कर के उसको भाग नहीं पाए। वो आदमी कुछ घायल हो गया, 3 को घायल हो गया और एक मतलब कि एक की मौत हो गई। हाँ, वो सदर हॉस्पिटल में आके दम तोड़ा।